कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूं श्री चैतन्य चंद्र दास। तो हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज, ये एक नित्य सिद्ध पार्षद भगवान के जो आए थे इस भौतिक जगत में और प्रचार करके फिर से भगवान के धाम चले गए। तो उनका ये जो एक लीलाम ये बायोग्राफी है कृष्णालिंगित विग्रह करके, वो किताब में उनके बारे में कई सारे ऐसे चीज़ें बताई है कि कैसे वो एक शुद्ध भक्त थे, नित्य सिद्ध भक्त थे हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज। तो प्रभुपाद को मिलने से पहले ही वो ऑलरेडी वो एक सन्यासी थे, वो ऑलरेडी सर्च कर रहे थे कि कहाँ पे मुझे भगवान के एक शुद्ध भक्त मिलेंगे। तो जब श्रील प्रभुपाद से मिले तो श्रील प्रभुपाद ने एकदम पहचान लिया कि ये बहुत ही शुद्ध भक्त है और उनको तुरंत फर्स्ट सेकंड और थर्ड इनिशिएशन दे दिया। तो ये ऐसे हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज को फिर बाद में श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आप भुवनेश्वर में एक बड़ा मंदिर खोलो। तो उधर इतने कठिनाई के बावजूद हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज ने एक बड़ा मंदिर वहाँ पे खोला। और गौर गोविंद महाराज का एक खूबी थी कि वो भगवान के साथ डायरेक्ट बात कर सकते थे, भगवान के साथ डायरेक्ट आदान प्रदान था उनका, भगवान डायरेक्ट उनके पास आके उनके सपने में आके उनसे बातचीत करते थे। तो गौर गोविंद महाराज साधारण व्यक्ति नहीं थे। उस किताब में बताया कि कैसे जब आखिरी समय आया तो वो अष्ट सात्विक विकार जो होते एक शुद्ध भक्त के शरीर में वो प्रकट करते थे, और कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक वो समाधि में चले जाते थे और उनका जो शरीर का रंग था वो भी बदल जाता था, अलग अलग कलर दिखाते थे उनका शरीर पे देख सकते थे। तो गौर गोविंद महाराज ऐसे समाधि में चले जाते थे, अष्ट सात्विक विकार दिखाते थे, और आखिरी समय में जब 1996 में जब वो मायापुर में जीबीसी मीटिंग चल रहा था तो उस समय वो जगन्नाथ की लीला बता रहे थे। जगन्नाथ की लीला बताते 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 वो स्टेज के ऊपर ही उन्होंने उनका प्राण त्याग दिया और वो भगवान के धाम चले गए। तो ऐसे गौर गोविंद महाराज का बायोग्राफी है कृष्णा अलिंगित विग्रह बहुत ही सुंदर है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें बताया कि कैसे एक नित्य पार्षद भक्त थे गौर गोविंद स्वामी महाराज, जो भगवान के साथ डायरेक्ट उनका कनेक्शन था, हॉटलाइन। और आखिरी समय में जब श्रील प्रभुपाद 1977 में जब श्रील प्रभुपाद आए थे भुवनेश्वर में, तो श्रील प्रभुपाद ने उनको पर्सनली बुला के बहुत सारी ऐसी गुह्य बातें की जो महाराज बताते हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता, जो चीज़ें श्रील प्रभुपाद ने मुझे बताई है। तो ऐसे गौर गोविंद महाराज जो है वो एक नित्य पार्षद भक्त है, उनका स्मरण करके ही हम शुद्ध हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।